गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लासेस में कल के मैंने जो है आप लोगों को फैक्टराइजेशन के 4 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था और एक टाइप बच गया था, टाइप नंबर 5, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म के रूप में था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको क्लास 9th में, 10th में, 11th, 12th सब में देखने को मिलेगा। बस अंतर ये रहेगा कि ये पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, और वहाँ पे आपको इसके इक्वल टू 0 यदि हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, जो कि क्लास 10th में आपको देखने को इसके एग्जांपल मिलेंगे। लेकिन रूल्स इसको फैक्टराइज करने के सेम रहेंगे, वहाँ भी यहाँ भी। वहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाता है, सूत्राचार फॉर्मूला आ जाता है सॉल्व करने का, जब इसके बराबर 0 लगा हो, और जब हम उसको जो है फर्स्ट मेथड से, मतलब मिडिल टर्म्स को, बी एक्स जो मिडिल टर्म्स है इसको दो पार्ट में ब्रेक करके जब ना कर पाए, तब उस केस में सूत्राचार फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करने के ये दो और तरीके होते हैं, तरीका परफेक्ट स्क्वायर का मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, फॉर्मूले का इस्तेमाल ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इतना डिटेल नहीं चलेंगे, अभी हम इसको मिडिल टर्म से कैसे ब्रेक करके, मिडिल टर्म्स को कैसे ब्रेक करके हम इसको 4 पार्ट्स बना के कॉमन ले करके करेंगे वो हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की जैसा है, और ये पूरा जो पूरी एक्सप्रेशन जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के रूप में जाना जाता है। तो कैसे इसको हम फैक्टराइज करेंगे, और लास्ट वीडियो में मैंने जो है इसे नहीं बता पाया था उस समय के अभाव की वजह से, लेकिन आज मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। और यदि एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे ठीक है, तो आगे बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके रूल ये है। पहला यहाँ पर लिखते हैं, ये है आपका कॉन्स्टेंट, और एक्स स्क्वायर के बगल में जो है हम देखते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है, अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए 2 है, इस क्वेश्चन में देखिए 3 है, 3 है, तो हम 1 का मल्टीप्लाई सबसे पहले इस कोफिशिएंट के, एक्स स्क्वायर के बगल में जो कोफिशिएंट है 1, उसका मल्टीप्लाई 6 में करते हैं, तो 1 × 6। पहले स्टेप में हमें पता चल गया कि मल्टीप्लाई करने के बाद 6 मिला, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में अब हम सोचेंगे कि 6 कौन कौन से नंबर्स को, कौन कौन से डिजिट को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। तो हमें मालूम है कि 2 × 3 का मल्टीप्लाई कर दें या 3 × 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 6 मिल जाएगा। तो हमारा ये जो स्टेप नंबर 1 और 2 है कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सी है, समझ जाइए सी की जगह पे 6 है, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे ए है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसके हम दुनिया हम सोचते हैं कि जो हमने मल्टीप्लाई करके लाया है वो कैसे, किस नंबर्स का मल्टीप्लाई करके, किस डिजिट का मल्टीप्लाई करके हमें फाइंड आउट होगा। तो हमें मालूम चल गया कि 2 × 3 का मल्टीप्लाई करके या 3 × 2 का मल्टीप्लाई करके 6 मालूम होगा। अब हम किसी दो नंबर्स की या दो डिजिट की हेल्प से हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म्स को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। तो तरीका क्या ब्रेक करने का, स्टेप नंबर 3, या तो हमको ऐड करेंगे इस नंबर को या तो सबट्रैक्ट करेंगे, बस यही मेथड है, या तो ऐड करेंगे या तो सबट्रैक्ट करेंगे। यदि हमको ऐड करते हैं 2 + 3 करते हैं तो 5 मिल जाएगा, 2 + 3 करते 5 मिल जाएगा, लेकिन जब 2 − 3 करेंगे तो 3 − 1 हो जाएगा, जो कि ये मिल नहीं रहा, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा ओके हो गया। अब 2 + 3 अब लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 5x को लिख सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 6। अब टाइप नंबर 4 में हमने आपको बताया था दो का भी अपना भी 4 टर्म्स है, तो दोनों में जो है कॉमन सर्च करिए, तो यहाँ पे एक्स कॉमन है, एक्स प्लस 2 मिल गया, यहाँ से 3 दोनों में 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम जो है 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स रिमेन हो जाएगा और यहाँ पे 2। अब ये दोनों कॉमन है तो दोनों को हम टेकआउट करेंगे, एक्स प्लस 2 हो जाएगा, बच गया एक्स प्लस 2, ये हमारा फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 20 + 3। सारे क्वेश्चन जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी इसी रूल से होंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में हमें मल्टीप्लाई कर लेना, स्टेप नंबर 2 में हमें सोचना है कि वो नंबर कैसे आएगा, और स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, 3 में हमें सोचना है कि उसको ऐड करके हम मिडिल टर्म्स को ला सकते हैं कि सबट्रैक्ट करके ला सकते हैं, इसकी मदद से फिर उसी हिसाब से हम जब करेंगे तो 4 टर्म्स मिलेंगे, फिर 4 टर्म्स को हम दोनों का लेकर के पेयर बना लेंगे, फिर उसके बाद दोनों में कॉमन सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद उसके बाद हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो और भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, फिलहाल ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एरिया माइनस ए। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर वन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, एट का थ्री, थ्री इंटू एट हो गया 24। स्टेप नंबर टू में क्या करते हैं, आपको मालूम है अपने मन से दो ऐसे नंबर का सिलेक्शन करते हैं या डिजिट का जिनका मल्टीप्लाई करते हैं 24 के इक्वल हो जाए। तो मतलब पहला नंबर तो 8 इंटू 3 है जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, और उसके अलावा कौन सा नंबर है, 12 इंटू 2 या 2 इंटू 12 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 मिल जाएगा। अब इसके नंबर 3 में इन्हीं की हेल्प से, इन दो नंबर की हेल्प से या डिजिट की हेल्प से हम डिजिट टर्म्स को ब्रेक करेंगे, या तो ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करके, या तो ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करके। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे सॉरी ऐड करते हैं तो वो भी होगा क्योंकि नहीं मिल रहा है, ये कैसे हो गया। लेकिन हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गेन आ गया जो कि मैच कर रहा था, ये हमारा ओके हो गया। अब इसी हिसाब से लिखेंगे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 8, दो दो का पेयर बना लेंगे। यहाँ कॉमन दोनों देखते हैं, सर्च करते हैं तो 3 है, 3 का। अब दोनों शब्द में कॉमन सर्च करते हैं तो 3 करके 3 से ए भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से ए भी डिवाइड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स एक एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो पहले 3 दे दिया फिर उसके बाद एक्स दे दिया तो क्या बच गया, यहाँ पे एक्स मैन हो गया और यहाँ पे डिवाइड किया तो 4 हो गया। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, सेम आ रहा है, यहाँ पे माइनस है माइनस लगा दिया। अब दोनों में 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 हमारा कॉमन हो गया, उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ एक्स मैन हो गया। अब जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे और पहले माइनस हो साइन, ब्रैकेट के पहले माइनस साइन हो तो जो अंदर का साइन होता है वो चेंज हो जाएगा, तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये देखिए सेम मिलना चाहिए, किसी भी हालत में सेम होगा, साइन भी सेम होना चाहिए तभी कॉमन ले सकते हैं। साइन सेम नहीं है, प्लस माइनस है कॉमन नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं कहीं क्वेश्चन या आपके सोल्यूशन में मिस्टेक है। तो अब इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस 4 हो गया और बच गया क्या 3x माइनस 4। इस प्रकार से हम जो भी क्वेश्चन में बचे हुए हैं ठीक उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीज़ें आपको बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही प्रैक्टिस करते रहिए, धन्यवाद।